अब हम कैपेसिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेशन, अब ये तुमने देख लिया था, हमने स्पर्मिएशन देखी जिसके अंदर मैच्योर हो गए थे स्पर्म। ऑल्दो एपिडिडमस के अंदर उसकी मैच्योरेशन हो जाती है, लेकिन वो फिर भी कैपेबल नहीं होते हैं कि वो जो है ओवम को, एग को फर्टिलाइज कर सके। तो वो जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद जो उसके प्रोसेसेस होते हैं और वो प्रोसेस उसको एबल बनाती है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। वो जब जेनिटल ट्रैक के अंदर एंटर हो, उसके फ्लूड वैसे इसको एबल बनाती है कि फर्टिलाइज कर सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन बताऊँ, प्रोसेसेस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक ऑन स्पर्म दैट मेक इट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब इसके अंदर एक्चुअली पहले हम देख लेते हैं कि पहले फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर इसी कैपेसिटेशन क्यों होती है, पहले क्यों नहीं हो रही थी। तो रीज़न ये होता है कि जब ये मेल जेनिटल ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर इसके साथ कुछ इनिबिटिंग फैक्टर्स अटैच होते हैं परमानेंटली, और वो रिमूव नहीं हो रहे थे अंटिल के फ्लूड जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक है वो उसको वॉश अवे करें। तो इस वजह से एक तो इनिबिटिंग फैक्टर्स उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। रीज़न बता रही हूँ कि क्यों कैपेसिटेशन फीमेल जेंडर ट्रैक के अंदर होती है। तो एक इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं मेल जेंडर ट्रैक के अंदर जो कि इसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं, और दूसरा वहाँ पे जब वो मेल जेंडर ट्रैक के अंदर होता है तो कुछ वेजाइकल्स के साथ बार बार इन कॉन्टैक्ट आ रहा होता है। वेजाइकल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और जैसे वो कोलेस्ट्रॉल जो है ना थिकन करता रहता है स्पर्म्स के ऊपर, यानी कि जैसे स्पर्म आते हैं तो उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल के वेजाइकल आते जाते हैं और उसको थिकन करते रहते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि वो अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करा के तो जो है ना वो मैच्योर हो। तो ये दो रीज़न है, इनहिबिटिंग फैक्टर और कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे सिक्रीट होता रहता है। तो यही वजह है, ठीक है, दो रीज़न हमने, अब यही वजह है कि अब हम कैपेसिटेशन के स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं। तो पहले क्या होता है कि एक हम ये देखते हैं कि जब वो, हमने लिखना किस तरीके से, हमने इस तरह से लिखना है कि जब वो मेल जेंडर ट्रैक के अंदर होते हैं तो बहुत सारे इनहिबिटिंग फैक्टर्स उसके ऊपर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो मैच्योर नहीं हो पा रहा था, सप्रेस करते हैं स्पर्म्स को मेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, ठीक है। इस इनहिबिटिंग फैक्टर्स की वजह से क्या हो रही है, सप्रेशन हो रही होती है स्पर्म्स की। और दूसरा यही कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट लिखना है कि कोलेस्ट्रॉल वेजाइकल्स के साथ इनकॉन्टिन्यूस होता है, जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करते रहते हैं, थिकन करते रहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थिकन होती रहती है। और थर्ड नंबर पर यह होता है कि जब क्योंकि अब इस सेल कोलेस्ट्रॉल के साथ इनकॉन्टैक्ट नहीं आ रहा, तो उसकी मेम्ब्रेन की और ही बहुत ज़्यादा थिन हो रही है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन उसके अंदर मूव करेंगे। जब कैल्शियम आयन्स उसके मेम्ब्रेन से क्रॉस करके अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, और चेंजेस की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या सक्रिएट होते हैं, इंजाइम सक्रिएट होते हैं। वो इंजाइम जो हैं इसके अंदर, मतलब कि वो इंजाइम, ये इंजाइम ज़रूरी होते हैं जो ग्रैनुलर सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, जो ना पहले सूर्य को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो जो एक्रोसोम के अंदर हमने पढ़ा था, तो एक्रोसोम को भी थिन करता है और उसको प्रमोट करता है कि वो अपने इंजाइम सक्रिएट कर पाए, और अदरवाइज जो है एक्रोसोम इंजाइम अपने सक्रिएट नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि वो थिनिंग हो जाती है, इसकी वजह से कैल्शियम आयन अंदर जाते हैं और कैल्शियम आयन की वजह से इंजाइम सक्रिएट होते हैं, जो कि फिर क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो बस कुछ इस अंदाज से आपने जो है कैपेसिटेशन लिखना है, कैपेसिटेशन को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन आप देख लें कि इसके अंदर 1 to 10 hours लगते हैं, ठीक है, 1 to 10 hours इसके अंदर लगते हैं, और इसी की लोकेशन क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद जो है बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक रह गया है टेस्टोस्टेरोन के बारे में, वैसे मैंने हर चीज़ बता दी थी, लेकिन इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसकी साइट्स ऑफ सेक्रीशन जो है दो होती हैं, एक तो फीटस के अंदर, आई थिंक वो मैंने अलग अलग जगह पे आपको बता दिया था, लेकिन एक साथ ज्वाइन करके नहीं बताया। तो मैंने आपको बताया था कि जो जेनिटल रिच सेल्स होते हैं, वो आपको पता है कि मेल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, अगर मैं साइट ऑफ सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन देखूं, तो मेल्स के अंदर क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर नहीं होता वाई क्रोमोसोम। तो इस जो मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर हमें पता है कि उसके शॉर्ट आर्म के ऊपर क्या होता है, SRY जीन होती है। ये SRY जीन जब एक्टिवेट होती है, तो SRY जीन हमारे पास क्या प्रोड्यूस कराती है, SRY प्रोटीन प्रोड्यूस कराती है, या फिर हम उसको टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर बोलते हैं। ये टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है कैस्केड ऑफ रिएक्शंस करवाते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, ये जेनिटल रिच सेल्स पर एक्ट करती हैं, जेनिटल रिच सेल्स, ये जेनिटल रिच सेल्स पर एक्ट करती हैं और इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये जो है टेस्टीज बनाएं, और इसके अलावा यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन भी सेक्रीट कराते हैं, ठीक है। इन पहले इनको मॉडिफाई करते हैं इस तरह के सेल्स में कि टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करें, फिर टेस्टोस्टेरॉन इन्हीं पर एक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट करा देते हैं टेस्टीज के अंदर, और फिर टेस्टीज तो कंटिन्यूसली टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये इस तरह से हो रहा था। तो ये तो फीटस के अंदर हो गया, ठीक है, फीटस के अंदर इस तरह से है, और वो भी तब टेस्टीज की प्रोडक्शन से पहले, ठीक है, टेस्टीज की प्रोडक्शन से पहले इस तरह से SRY जीन इस पर काम करी थी। तो एक तो पाथवे ये हो गया कि SRY जीन के थ्रू, और दूसरा ही कि हम टेस्टीज की बात कर रहे हैं, टेस्टीज के अंदर दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है कि प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करा रहा होता है, तो एक हार्मोन उसमें से ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी है। तो जो ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये टेस्टीज पर एक्ट करता है,
ठीक है, और इसको इसको इन्फ्लुएंस करता है कि ये टेस्टोस्टेरोन से क्रिएट करे। तो दो हमारे पास प्रोसेस होगी, एक तो एस्टरवे जीन के थ्रू, और दूसरा क्या, यहाँ पे ह्यूमन क्यूरनी गोनेड्रोपिक हार्मोन टेस्टिस को प्रमोट करते हैं। तो ये हो गया फीटस के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगर हम प्यूबर्टी के बाद देखें, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू होता है। जो दरमियान वाला पीरियड होता है इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा नहीं हो रही होती, हम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड में नॉन एग्जिस्टेंट होती है। जैसे ही अडल्टहुड आता है उसके अंदर तो हाइपोथैलेमस में चेंजेस आते हैं, जो मैंने सारा आपको बताया था हाइपोथैलेमस में चेंज आते हैं। तो मैं डायग्राम दिखा देती हूँ, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, किस तरह से इंटीरियर पिट्यूटरी से फिर यहाँ पे हमारे पास टेस्टोस्टेरोन से क्रिएट हुआ, हमने इसकी रेगुलेशन भी देखी थी। तो फिर इस तरह से हमारे पास वो टेस्टोस्टेरोन किस तरह से क्रिएट हुआ, प्यूबर्टी में लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग से हमारे पास सीक्रेट होता है। तो ये साइट हमने देख ली। इसके बाद जो है हम क्लिनिकल्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारा ये थ्योरी वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।